फैसलाबाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब का अहम तरीन और तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर को ज़माना कदीम में लायलपुर कहा जाता था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल के नाम से मंसूब किया गया था। फैसलाबाद को 1892 में सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल ने दरियाफ्त किया था। ये भेड़ बकरियों और दीगर मवेशियों के लिए बहुत मारूफ था, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ और सब्ज़ा बहुत ज़्यादा था। (1892) में ही इसे झंग और गोगैमरा की नहरों से सैराब किया जाता था। फैसलाबाद 19वीं सदी के अवाइल में गुजरावाला, झंग और साहिवाल का हिस्सा हुआ करता था। लाहौर जाने वाले मुसाफिर, ताजिर और सयाह यहाँ पड़ाव किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी अहमियत बढ़ती गई और इस बढ़ती हुई अहमियत का अंदाज़ा एक स्याह अंग्रेज़ को बेहतर तौर पर हुआ, तो उसने इसको शहर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस शहर का नमूना कैप्टन पोहमयंग ने डिज़ाइन किया, जिनमें एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर तामीर किया गया, जिसका संग बुनियाद सर जेम्स वी लायल ने 14 नवंबर 1903 में रखा, जो कि 8 बाज़ारों पर मुश्तमिल है। इन 8 बाज़ारों को बड़े उम्दा फ़न तामीर से बनाया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल कामों का आगाज़ होता गया और कस्बों से लोग शहर की तरफ आना शुरू हो गए। घंटाघर के मुकाम पर मिलने वाली 8 सड़कें शहर के 8 अहम बाजार हैं, जिनकी वजह से इसे 8 बाज़ारों का शहर भी कहा जाता है। 8 बाज़ारों के नाम कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले झंग बाज़ार, बवाना बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार, चिन्योट बाज़ार, कचहरी बाज़ार, रेल बाज़ार, कारखाना बाज़ार और मिंटगमरी बाज़ार शामिल हैं। इसमें 4 बाज़ार की सड़कें बड़ी हैं और 4 की सड़कें छोटी हैं। घंटाघर मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। घंटाघर से ही शुरू होकर बैरूनी तरफ फैले हुए बाज़ार उस जगह को बरतानवी परचम की शक्ल देते हैं, जो सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल ने अपने मुल्क की यादगार के तौर पर यहाँ छोड़ा है। घंटाघर की तमीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर सांगला हिल की पहाड़ी, जबकि इसमें निस्बत की गई घड़ी मुंबई से लाई गई और ये टावर 40,000 रुपये की लागत में 2 साल के दुरानिया में पाया तकमील को पहुंचा। (1895) में यहाँ पहली बार रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई गई। उस वक्त टोबाटैक सिंह और शाहदरा के दरमियानी इलाका को सांदलबार कहा जाता था, जबकि फैसलाबाद की इब्तदाई तारीख में यहाँ पक्का माड़ी नामी एक कस्बा पहले ही मौजूद था, जिसे अब पक्की माड़ी के नाम से जाना जाता है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन 1896 में बनाया गया। लोग यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं। फैसलाबाद का ये स्टेशन पाकिस्तान के बड़े शहरों तक मुसाफिरों को रसाई देता है। रोज़ाना की बुनियाद पर कार्गो दरामद और बरामद भी किए जाते हैं। 1977 में इस शहर का नाम लायलपुर से फैसलाबाद रख दिया गया, जो कि सऊदी बादशाह शाह फैसल की निस्बत से रखा गया था, क्योंकि उन्होंने फैसलाबाद की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया था। उन्नीस सौ 85 में इस शहर को डिवीज़न का दर्जा दे दिया गया, जिसमें टोबाटैक सिंह, झंग और फैसलाबाद इजला शामिल किए गए। ज़िला फैसलाबाद का कुल रकबा 5,856 मुरबा किलोमीटर, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 35,47,446 अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी 6 तहसीलें हैं, जिसमें फैसलाबाद शहर, फैसलाबाद सदर, चक झुमरा, जड़ावाला, समुद्री और तांदलियावाला शामिल हैं। लायलपुर टाउन, जिना टाउन, इकबाल टाउन और मदीना टाउन फैसलाबाद शहर के अहम तरीन मकामात हैं। फैसलाबाद शहर को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वजह से आलमी शोहरत हासिल है, जिस पर तकरीबन तमाम शोबों के अलग-अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी अपना ख़ास मुकाम रखती है। पाकिस्तान में फैसलाबाद को टेक्सटाइल के शोबे में भी बढ़तरी हासिल है, जिसमें कई टेक्सटाइल मिल्स और फ़नी तलीमी इदारे शामिल हैं। फैसलाबाद शहर से 10 किलोमीटर के फासला पर एयरपोर्ट है, जहां मुल्की और गैर मुल्की सतह की परवाजें होती हैं। यहां कई तारीखी और तफरीही मकामात भी हैं, जिनमें क्लॉक टावर, जिना बाग, गतवाला पार्क और दीगर फनलैंड्स शामिल हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली चंद अहम शख्सियात का जिक्र ना किया जाए तो प्रोग्राम अधूरा होगा। भगत सिंह, तेजी बचन, अरफा करीम, रेशम, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रफ़ी, इब्रारुल हक, रमीज़ राजा, सईद अजमल, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, मोहम्मद सैफ़, शहबाज अहमद, राना सनाउल्ला, पृथ्वीराज और दीगर ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करें और मज़ीद अच्छी और हकीकत में अपनी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।